ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना कि आप सब लोगों का आध्यात्मिक जीवन मंगलमय हो, प्रगतिशील हो और आपके भक्ति की गंगा सदैव श्री कृष्ण के चरणों की ओर निरंतर अबाधित रूप से दौड़ती रहे। हरे कृष्णा। तो आज श्री गंगा जी का अवतरण दिवस है। आज के दिन श्री गंगा जी पृथ्वी पर कोमुख यहाँ पर दृश्य रूप में प्रकट हुई थी। तो आज के दिन का चिंतन यह है कि आज अक्षय तृतीया है, हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। और ये जो भारतीय संस्कृति भक्तिमय संस्कृति ये केवल मनुष्यों के लिए है, कोई भी निचली योनि का जीव उत्सव नहीं मनाता। दीपावली, गुड़ी पाड़वा, मकर संक्रांति, दशहरा, ये सारे उत्सव केवल मनुष्य जाति में ही मनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो सौभाग्य है ये भगवान ने मनुष्य जीवन को दिया है। और हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि इस समय हम मनुष्य योनि में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो मनुष्य योनि को प्रथम पद पर मनुष्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहला कदम जो है वो है ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से जीवन का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। और ज्ञान के तीन स्तर है, एक है श्रवण, हम उस ज्ञान को सुनते हैं यानी इंफॉर्मेशन नॉलेज गैदर करते हैं। अगर हमें वो ज्ञान पसंद आया, अच्छा लगा, हमें उससे प्रेरणा मिली, तब हम उसको जीवन में उतारते हैं यानी विज्ञान, यानी सुना हुआ ज्ञान हम अपने जीवन में अपने कर्मों में उतारते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज रिसीव्ड। और तीसरा ज्ञान जो है वो उसको साक्षात्कार कहते हैं, जो हमने सुना है, जो हमने प्रैक्टिस किया है, उसके बाद में जो हृदय के अंदर के कोने में जो अनुभूति होती है वो वास्तविक सारे ज्ञान का निचोड़ है। और उस ज्ञान विज्ञान को साक्षात्कार में रूपांतरित करने के लिए साधना की आवश्यकता है, और ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये साक्षात्कार जो है वो नीति शास्त्र के आधार पर चाणक्य मुनि ने उसकी व्याख्या की है कि सच्चा ज्ञानी कौन है? पर द्वारेषु मातृवत, पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत, आत्मवत सर्वभूतेषु
सब पश्यति सा पंडिता। नीति के स्तर पर ज्ञानी पुरुष का लक्षण यह है कि वो परस्त्री को केवल माता के रूप में देखता है, दूसरे के द्रव्य को या तो विष के समान या तो तुच्छ मानता है, यानी चोरी नहीं करता, कभी भी विवाह बाह्य संबंध नहीं करता। और आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी जिस प्रकार से उसे स्वयं को दूसरों के द्वारा व्यवहार पसंद है, वैसा ही व्यवहार वो दूसरों के साथ करता है, जैसा उसे पसंद है कि दूसरे उससे करें। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसे सर्वभूत यानी सभी जीवों के लिए उसका व्यवहार रहता है। जो इस स्तर पर पहुंचता है अनुभूति के आधार पर, उसको ज्ञानी कहा गया है। और भक्ति शास्त्र के आधार पर अगर आगे जाएंगे तो ये तो एक फाउंडेशन है। भक्ति शास्त्र आगे जाकर कहता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मुच्यति, कि सबके भोक्ता, ये सब पता होने के बाद सबके भोक्ता भगवान है, सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण है, सबके वो मित्र है, सब सर्वभूतानाम। तो ये अनुभूति होने के बाद शांति प्राप्त होती है। और अंतिम ज्ञान क्या है? अंतिम ज्ञान दो प्रकार का है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सभी प्रकार के धर्म, कर्तव्य, ड्यूटीज, सब प्रकार के अलग अलग रोल हम अदा कर रहे हैं, उनके सारे जो कर्तव्य जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, वो सबको त्याग करके अंतिमतः भगवान के चरणों में अपने आप को सर्वस्व शरणागति स्वीकार करनी है, प्राप्त करनी है, भगवान को अपने भगवान के चरणों में अपने आप को सुपुर्द करना है, समर्पित करना है। ये अल्टीमेट ज्ञान है। ये अगर हमारे हृदय में प्रवृत्त होता है तो हमारा जीवन सफल है। और भगवान क्या कहते हैं, माशुचः, जब आप सर्व धर्म त्याग करके मेरे चरणों में समर्पित होते हैं तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको सबसे सब पापों से मुक्त करा दूंगा, आपको प्रेम दूंगा, भक्ति दूंगा। और अंतिमतः ये क्या ज्ञान है, ज्ञान की परिणति क्या है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। कि जहां पर भी कृष्ण और उसके भक्त की जोड़ी है, जहां पर भी भक्त के द्वारा कृष्ण के लिए भक्तिमय सेवा प्रदान हो रही है, जहां पर भी ये कॉम्बिनेशन है भक्त और भगवान का, वहां पर नीति, हाँ, धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति, तत्र श्रीर विजयो, तो वहां पर विजय भी वहां पर ही है, नीति भी वहां पर है, ऐश्वर्य भी वहां पर है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इन नीति मूल्यों के द्वारा ज्ञान की व्याख्या जब हम अनुभूति के स्तर पर लाते हैं, भक्ति शास्त्र के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के प्रति हमारी अनुभूतियां प्रकट होती है, तब जाकर हमारा भारत मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। और ऐसे मनुष्य जीवन के सफलता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ये अक्षय तृतीया जैसे सुंदर दिन हमारे जीवन में आते हैं, जिसको हम संस्कृति के आधार पर जीवन में उतारते हैं, पालन करते हैं, संपन्न करते हैं, मनाते हैं। तो आइए हमारी धरोहर को और हमारी धरोहर की महानता को, गौरव को समझे हम, और सच्चे दिल से हमारे रग रग में, हमारे कण कण में, हमारे हृदय के अंदर के कोने तक, हमारे बुद्धि के कोने कोने तक हम ये भक्तिमय भारतीय संस्कृति ठोस ठोस के भरे और अपने जीवन को संपन्न करें। आइए आज के दिन हम इस संकल्प करें, कुछ एक नया संकल्प ले जो अक्षय हो जाएगा, इटर्नल हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, जिससे हमारी भक्ति के जीवन में प्रगति होगी। जैसे हम भगवद गीता का एक अध्याय रोज पढ़ेंगे, एक श्लोक भागवत का रोज पढ़ेंगे, या ब्रह्म संहिता रोज पठन करेंगे, या प्रैक्टिकल लेवल पे ये संकल्प लें कि हम हमारे 16 माला का व्रत पूर्ण किए बिना मोबाइल के और मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये सबसे बड़ी उन्नति का मार्ग है आज के जीवन में। अगर हम 16 माला का नियम पूरा करने तक, पहला मंत्र से लेकर 1728वां मंत्र
करने तक अगर हम मोबाइल को दूर रखें तो हम कृष्ण की चरणों की ओर बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। मेरे तरफ से आप सब लोगों को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।